लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हैप्पी दिवाली। आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आप सबको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत 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 दिवाली की शुभकामनाएं। आप, मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दोस्तों हमारा चैनल LKO मस्ती ज़रूर देखते रहें। तो दोस्तों आज हम चलने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त जगह, यानी कि मतलब काफ़ी पुरानी जगह हो चुकी है अब, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। आज हम चलेंगे लोहिया पार्क, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जो आपका लोहिया पार्क है वो काफ़ी पहले, यानी कि आज से करीब हमें लग रहा है 10 साल तो हो ही रहे होंगे उसको बने, और लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है वहाँ पर, बहुत अच्छी हरियाली है। तो आप सब चलेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको और ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। गाड़ियाँ कम दिख रही हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि आज दिवाली है, लोग त्यौहार मना रहे हैं, सब अपने अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और कोई किसी का घर अगर लखनऊ के बाहर है, यानी कि कोई फैज़ाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर का रहने वाला है, कोई बहराइच का रहने वाला है, कोई गोंडा का रहने वाला है, तो भैया लखनऊ में ज़्यादातर अगर देखें ना तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि इधर जो पूरा गोमती नगर बसा है वो सब पूरे गोमती नगर में ज़्यादातर बाहर से बिलोंग करते हैं लोग। तो भैया कितने लोग तो चले जाते हैं अपना त्यौहार अपने अपने घर पर मनाने, अपने गाँव में मनाने, अपने विलेज में बनाने। तो ज़्यादातर लोग आज बिल्कुल ये समझ लीजिए कि 2-4 दिन पहले से ही आदमी चला जाता है। तो आज आपको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं दिखेगा, बहुत ही कम ट्रैफिक है रास्ते में। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लोहिया पार्क। सन्नाटा नहीं रहता है, यानी कि काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर भीड़ नहीं है। आज रोड एकदम खाली और सुनसान है, ये देखिए। अभी हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, और हम लोग मुड़ेंगे लोहिया की तरफ। वाकई में मुझे लोहिया पार्क आकर के बड़ा अच्छा लगता है, ये जैसे कि हरियाली, ये पेड़। तो फाइनली पार्किंग में गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, ये देखिए पीछे, और अब गेट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ आगे। और ये देखिए ये गेट आ गया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और अब यहाँ से एंट्री अंदर, और दिखाता हूँ मैं आप सबको गेट। और ये गेट के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंगलवार दिनांक 12 अक्टूबर 2004 को संपन्न हुआ ये पार्क। तो काफ़ी साल हो गए यार, लगा ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है एकदम। तो वाकई में मुझे लग रहा था कि अभी केवल 10 साल हुए होंगे इस पार्क को बने हुए, लेकिन नहीं, मैं गलत था। और अभी मैंने जब आकर के बिल्कुल गौर से देखा, आप लोग ने भी देखा कि 2004 में ये पार्क जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ था।
तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि कम से कम 10 साल हुए होंगे इस पार्क को शुरू हुए। आजकल टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। जब ये नया नया पार्क जो है यहाँ पर शुरू हुआ था और जब यहाँ पे एंट्री हुई सबकी तो मैं भी आया था उस समय और मुझे लग रहा था कि अभी केवल 10 साल हुए होंगे, लेकिन नहीं, 2004 में ये पार्क जो है वो स्टार्ट हो गया था और बिल्कुल फुल सारी चीज़ें बन गई थी और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आने लगे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पार्क तो बहुत सारे हैं लखनऊ के अंदर। अभी ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क बन गया है, लेकिन जो एक सुकून मिलता है यहाँ पर, इतना हरियाली है और सुबह के टाइम पर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी मतलब सुबह के टाइम आकर के वर्कआउट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो काफ़ी जो है शरीर स्वस्थ रहता है, उससे बहुत लोग अच्छा महसूस करते हैं यहाँ पर आकर के। तो आइए देखते हैं यहाँ की हरियाली और यहाँ की चीज़ें। वाकई में ये प्यारी सुकूनियत जो है वो केवल लोहिया पार्क में ही मिलती है लखनऊ के अंदर। अगर आप कभी आएँ लखनऊ, और सुबह के वक्त बहुत अच्छा रहता है, अगर आप सुबह सुबह आ जाएँ यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन देख सकते हैं आप, बेहतरीन हरियाली है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो इधर ये ऊंचाई है यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन। यहाँ पर बैठने के लिए ये देखिए, ये यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए देखिए किस तरीके से ये बनाया हुआ है, इतना मतलब ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि फ़ोटो बहुत अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो पिक्स अगर आपको खींचने हैं ना तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे आते हैं। उस समय जब ये बना था पार्क, तब उतने अच्छे कैमरे भी नहीं आते थे, सन 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, और तब मैं आया था और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो खींचे थे। और अगर वो सारे फ़ोटो मुझे मिल जाएंगे, मेरे फेसबुक पे अपलोड हैं, और अगर वो फ़ोटो आज भी अपलोड होंगे तो मैं इस वीडियो में वो फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा अपना। और लेकिन वो फ़ोटो जो था वो मेरा 2006 या 7 का था, यानी कि मैं 2006 में या 7 में आया था, तब फ़ोटो मैंने खींचा था। तो वाकई में यार, मतलब इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, मतलब जो है आप लोग कहीं देखे नहीं होंगे, और इतनी सुकूनियत। जैसे कि ये देखिए, मैं ये पेड़ हैं और पेड़ के अंदर ही यहाँ पर मैं नीचे आया, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब वाकई में मज़ा आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पर ये, और ये आजकल बंद है, नहीं चल रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है, और यहाँ पर जो है वो फिश पली हुई हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से जाल डाला हुआ है, ये देखिए कि कोई भी चीज़ इसमें कोई डाल ना पाए, लेकिन फिर भी पानी जो है वो बहुत ही गंदा है, और इसमें चिप्स की पैकेट पड़ी हुई है, वाकई में बहुत ही गलत बात है ये, इसमें चिप्स की पैकेट। और ये देखिए इसमें छोटी छोटी सी मछलियां हैं जो इधर उधर भाग रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ी सी मछलियां हैं और बाकी तो इधर सब खाली पड़ा हुआ है पूरा एकदम। तो पहले यहाँ पर काफ़ी मछली थी, लेकिन अभी क्या है ना, उस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ खाली है, मछलियाँ भी नहीं है, पानी बिल्कुल निकला हुआ है, और बीच में थोड़ा सा पानी है, उसमें थोड़ी सी मछली है, और बाकी इधर बगल में बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले वगैरह हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और ये छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, आराम से यहाँ पर बैठ करके झूला झूलते रहिए, मज़े लेते रहिए। तो ये काफ़ी बेहतरीन है,
और मज़ा आ रहा है इसे बैठ के, मन कर रहा है बस सो जाएं। मतलब काफ़ी प्यारा है, मस्त है भाई। हर इंसान का एक ड्रीम होता है और वो सोचता है कि यार मैं जब घर बनाऊँ और अपना घर हो मेरा, जिसको मैं खुद बनाऊँ। देखिए बाप दादा तो बहुत सी चीज़ें बना करके जाते हैं, लेकिन इंसान को, मतलब हर इंसान को होता या नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन होता है कुछ लोगों को। तो होता है ये कि यार जब मैं अपना घर बनाऊँ, खुद के पैसे से बनाऊँ, अपनी कमाई से बनाऊँ, तो कुछ ड्रीम्स होता है उसका कि मैं वहाँ पर क्या करूँ। तो उसी तरीके से मैंने भी सोच रखा था यार, जब मैं अपना घर बनाऊँगा तो वहाँ पर इस तरीके के झूला ज़रूर रखूँगा यार, क्योंकि बहुत मुझे पसंद है। और मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी एक अच्छा सा घर है तो वहाँ पर एक इस टाइप का झूला लाइए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये इस टाइप की कुछ मशीनें लगी हैं यहाँ, जैसे कि ये एक साइकिल मशीन, जैसे आप साइकिल चलाते हैं सुबह सुबह करके, वैसे इसको आप चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। तो देखा भैया, इस तरीके से मशीन चलती है बिल्कुल साइकिल की तरह, जिससे साइकिल चलाते हैं। यार साइकिल चलाना, मतलब चलाना चाहिए इंसान को रोज़। आज तो भाग दौड़ इतनी ज़्यादा होती है इंसान के पास कि वो साइकिल भूल गया है बिल्कुल। लेकिन अगर किसी के पास साइकिल, आपके पास अभी भी है, मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि एक साइकिल मैं खरीदूँगा सुबह सुबह चलाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह साइकिल चलाने से बहुत ही फ़ायदा रहता है। और आजकल लेकिन लोग साइकिल बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनके घर पर साइकिलें रहती नहीं पहले, अब सब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि बाइकें इतनी ज़्यादा हैं और कार है, सब कुछ है। आज तो कोई साइकिल चलाना पसंद नहीं करता है, लेकिन साइकिल चलाने से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जिम में जा कर के और वर्कआउट करते हैं जब भी इस तरीके से, तो अगर सुबह सुबह साइकिल ही चला लें कम से कम 4-5 किलोमीटर, तो उससे आपके बॉडी को, शरीर को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए साइकिल चलाने वाली मशीन है और इसको आप चला सकते हैं। जो मैं ढूंढ रहा था वो यहाँ है, ये देखिए। काफ़ी सालों पहले मैंने जहाँ पर फ़ोटो खिंचाया था वो जगह यहाँ पर है, ये देखिए। ये मैं ढूंढ रहा था और मिल गया। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी फूल वगैरह भी लगे हुए हैं, फ्लावर्स, और ये अभी निकले नहीं हैं, जब ये निकलेंगे तो बहुत अच्छी लोकेशन होती है। तो देखिए ये ही मैं ढूँढ रहा था और ये मिल गया। ये मैं इसलिए ढूँढ रहा था कि मैंने जो है, जब मैं सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लोहिया पार्क आया था, तो मैंने यहाँ पर बैठ करके फ़ोटो खिंचाई थी इस जगह पर, और यहाँ पर बैठ करके फ़ोटो मैंने खिंचाई थी, और उस तरफ से बाहर की तरफ से फ़ोटो था, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो आया था, बहुत ही मस्त फ़ोटो आया था। और मेरी जब शादी लगी तो मैंने वही फ़ोटो भेजा वो फ़ोटो मैंने भेजा और एक फ़ोटो यहाँ पर जीने पर बैठ करके मेरा खींचा था, मैंने पिक्स खींचा था, बहुत प्यारा पिक्स था, और वो भी फ़ोटो मैंने भेजा, दो फ़ोटो मैंने भेजे थे। और वो फ़ोटो देख करके मुझे बड़ा पसंद किया मेरे, मतलब मेरे, मेरी वाइफ के घर वालों ने, और फिर मेरी शादी जो है वो फिक्स हो गई। तो यही वो जगह है, तो पुरानी यादें हैं मेरी यहाँ से, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है भाई वाकई में। उसके बाद फिर हम लोग इधर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी लोकेशन है, और ये जो पेड़ है ना वो इतने हिसाब से लगे हैं, इतनी प्यारी तरीके से लगे हैं कि आपको वाकई में बहुत ही मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा तो सुकून की बात है कि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि इतनी ग्रीनरी यहाँ पर है, और इसी वजह से हो सकता है। यहाँ पर अगर पानी होता और फाउंटेन चलता तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन अभी आजकल ये बंद है, यहाँ पर ये चल नहीं रहा है। और पहले जब ये चलता था, यहाँ से कुछ इस तरीके से हुई, ये देखिए, ये यहाँ पर ये काफ़ी प्यारी जगह है, और यहाँ पे छोटा सा डॉगी सो रहा है, ये देखिए। वाकई में आज इतने सालों बाद दोबारा यहाँ पर आ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और
काफ़ी प्यारी लोकेशन है, अभी भी वैसे ही है जैसे ये 10 से 12 साल पहले था जब मैं ये यहाँ पर आया था। आपको मैं बताऊँ 2006 या 7 में मैं आया था यहाँ पर और सब कुछ ऐसा ही था जैसे आज है। हाँ, बस उस वक़्त पानी था और फाउंटेन चल रहा था तो काफ़ी अच्छा था। ये देखिए ये जगह कितनी प्यारी है और कितनी सुकून वाली। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ यहाँ पर घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुकून वाली जगह है। ये देखिए तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस और चलते हैं बाहर की तरफ। आप सबको मैंने जहाँ तक कि पूरा जो लोहिया पार्क है वो मैंने दिखा दिया है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा कितनी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। और दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें क्योंकि आज दिवाली का दिन है। दोस्तों हमारी तरफ से आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएँ और आप सब हमेशा खुश रहें, ये मेरी दुआ है। दोस्तों अगले वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए गुड बाय।